नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विश्वेश तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरों का। माखी थाना क्षेत्र के चंदन के बेशकीमती पेड़ को चोरों ने रातों रात काट लिया और हो गए रफू चक्कर। बताते चले, जनपद उन्नाव के मेठी टिकू निवासी पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य अजीत सिंह चौहान का था करीब 10 लाख रुपए की कीमत वाला चंदन, जो की गायब हो गया है। उन्नाव हसनगंज कोतवाली क्षेत्र भिटवा गांव के बाहर एक युवक का मिला शव, हत्या कर फेंकने की सूचना, ग्रामीणों में मचा हड़कंप। जेई की दबंगई चरम पर, हसनगंज बार एसोसिएशन का काटा कनेक्शन, अधिवक्ताओं से जेई ने की अभद्रता, अधिवक्ताओं ने जेई के खिलाफ की जमकर नारेबाजी, अधिशासी अभियंता से मिलकर जेई को हटाने की कर रहे हैं मांग, अधिवक्ताओं की अधिशासी अभियंता की तरफ से नहीं मिला कोई संतोषजनक उत्तर। ए न्यूज टुडे से कुलदीप यादव की रिपोर्ट। काशीराम कॉलोनी में फल फूल रहा गांजा जुआ व सट्टे का कारोबार, सिस्टम व सेटिंग के अंतर्गत कराया जाता है जुआ व सट्टा। शिवम चौरसिया, सानू दरोगा, बाग व जावेद लुटेरा और गुफरान उर्फ मैलू का मुख्य रूप से चलता है सट्टा व जुआ। चौकी के एक विशेष सिपाही की रहती है इसमें अहम भूमिका, नहीं होती कोई कार्रवाई। काशीराम कॉलोनी में सट्टे का वीडियो हो रहा है सोशल मीडिया पर वायरल। धरने पर बैठे छात्र पैरा मेडिकल कोर्स के नाम पर करोड़ों का ठगी, छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ हुआ खुलवाड़। प्रशासन से छात्र छात्राओं ने की शिकायत, कार्रवाई ना होने पर नाराज छात्र छात्राओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पर बैठे धरने पर। जिला अधिकारी बस्ती प्रियंका निरंजन ने 3 सदस्य टीम गठित कर जांच करने का दिया आदेश, कहा कि तत्काल कॉलेज पर जाकर बच्चों का बयान ले और कार्रवाई करें। बस्ती जिले के सरदार पटेल हॉस्पिटल एवं पैरामेडिकल कॉलेज बस्ती पैरामेडिकल कोर्स के नाम पर छात्र छात्राओं से करोड़ों रुपए डेकार कर फर्जी मार्कशीट पकड़ा दिया गया। जब इस मार्कशीट की जांच हुई तो पता चला ना तो यह कहीं विद्यालय है और ना ही इस विद्यालय का कोई मार्कशीट शो कर रहा है। कॉलेज व प्रबंधक व व्यवस्थापक मिलकर करोड़ों रुपए बच्चों से वसूल रहे हैं और 2 साल भविष्य भी उनका खराब कर दिया। अब सवाल उठकर सामने यहाँ यह आ रहा है कि इन बच्चों का भविष्य कैसे वापस आएगा और इनका पैसा कैसे मिलेगा। वहीं कॉलेज प्रबंधक अपना मोबाइल बंद कर फरार है, जिसमें स्वामी विवेकानंद नाम के हरदिया चौराहे के पास में फर्जी सरदार पटेल नाम के कॉलेज में फर्जी कॉलेज जो है बनाकर और 600 से अधिक बच्चों को 5 साल से फीस लिया जा रहा है, धन उगाही करी जा रही है। और जब बच्चे कहते हमारा पेपर करा दो तो पेपर नहीं कराया जाता है, पेपर यहाँ पे होता है। और फर्जी मार्कशीट कॉपी, ये देखिए, ये कॉपी है, ये 2021 के अभी तक चेक नहीं हुआ। प्रमोट का रिजल्ट बना के फर्जी रिजल्ट बना करके बच्चों को दे दिया जाता है। जब बच्चे ऑनलाइन चेक करते हैं तो उसमें साइट पे कोई वो नहीं शो करता, कुछ नहीं शो करता है। उनका यहाँ पे उन कहते हमारा अलग साइट बना हुआ, कुछ बहनी हमारी और कुछ हमारे भाई यहाँ से गोरखपुर गए, जिनका उन्होंने कहा था कि इस काले से एफिलिएशन है, वहाँ गए और वहाँ जानकारी हुई, आगरा गए थे और वहाँ पता चला कि वो कॉलेज आगरा के कॉलेज ने बताया कि बस्ती में हमारी कोई ऐसी संस्था चलती ही नहीं है। कोतवाली गई थी, कोई कार्रवाई हुई? नहीं हुई। क्यों नहीं हो रही है? क्या कोतवाल के दबाव में है? तुम लोग खुद आग में पैर डाली हो तो पहले नहीं सोचना चाहिए था। जी, हम लोग यहाँ सरदार पटेल पैरामेडिकल कॉलेज हरदिया चौराहा वाल्टरगंज रोड बस्ती, यहाँ से हम लोग एनएम का कोर्स करके सन 2020 में लोग एडमिशन लिया। वहाँ पे हम लोगों को ये कह के बहलाया जा रहा था कि आज नहीं कल नहीं परसों नहीं, ऐसे ऐसे करते हुए ये लोग हम लोगों का वहाँ पे ग्लोबल यूनिवर्सिटी ईटानगर में अरुणाचल यहाँ पे ये लोग रजिस्ट्रेशन करवाए। रजिस्ट्रेशन के बाद हम लोगों को पता चला ये कॉलेज फर्जी है। उसके बाद जब हम लोगों ने बोला कि हम लोगों का रिजल्ट दीजिए, ये लोग फर्जी रिजल्ट बना के यहाँ पे कॉलेज पे फर्जी मुहर रखे थे ग्लोबल यूनिवर्सिटी का, उसके बाद ये लोगों ने बना के दिया, प्रमोटेड का रिजल्ट बना के दिया। एग्जाम करवाने पे एग्जाम बोले कि एग्जाम देने गई कभी कॉलेज, आप लेके जाएंगे तब तो हम लोग कॉलेज जाएंगे, ऐसे कॉलेज जाएंगे। उसके बाद फिर ये लोग प्रमोटर का रिजल्ट बना के दी। जब हम लोगों ने पूछा इसका साइट क्या है, पूछा हम लोगों का साइट क्या है, तो बोल रहा है साइट रात को खुलता है। कौन सी ऐसी साइट है जो रात को खुलती है, दिन में नहीं खुलती है। ए न्यूज टुडे से जयप्रकाश यादव की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की खबरों के लिए जुड़े रहिए ए न्यूज टुडे के साथ।